So, bro, how was it? Yeah. The freshness? It was out of the world, I would say. But your jet has a lower pressure, maybe लो प्रेशर लगा? due to the high altitude of your rotor. या सिविल इंजीनियर इन Yeah, एक्शन. that is the reason, right? या Yeah, बिकॉज इट्स ऑन द because you have फोर्थ. to put up a motor if you want a good pressure, you know. So at more floors, is a motor put up in behind the wall. ओके भैया, विल सी अबाउट दैट. रोटी बनवा दे ब्रो. क्या हुआ? इंग्लिश में रोटी बनवा दे. इंग्लिश ज्यादा होगी ना. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को नहाने दिया. मैं डंडा कर रखा कि जल्दी चल जल्दी चल. भाई नहा तो दूं, अपने घर हूँ नहा. अगर तेरे घर होता तो जब भी बात समझ आती. मैं भी नहा लेता यार, कोई दिक्कत थोड़ी. अब बताओ, उसकी चाबी लेने वापिस आया हूँ मैं. हाँ दो बजे बिजली का बिल बढ़वा रहा है हमारा काम का लिफ्ट का. भाई बाहर खड़े है गाड़ी से, गाड़ी खड़ी थी धूप में, जल चुकी है पूरी. आजा 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 जल्दी जल्दी आजा जल्दी छाव में आजा. कल रात को अंदर ही खड़ी कर लेते. और तुम शीशे भी नीचे नहीं करे होंगे. बस वेरी गुड, खड़े रहो फिर, इतने ठंडे होने का वेट करते हैं. ओहो भाई, इसको तो देख के ऐसा लग रहा है इसमें पता नहीं कितनी ज़्यादा गर्मी बन रखी होगी. मॉन्स्टर पीसी में ऑडियो की दिक्कत आ गई. चप्पल मार इस पर ना भाई, तू रहने दे बदमाश, रहने दे. हाँ भाई सही कह रहा है, कहीं टीवी में दो तुम्हारा टीवी. अमन अभी चैनल मोनेटाइज हो गया तेरा? हाँ हो गया. हाँ सच्ची में? हाँ हाँ मार दे. कितना पैसा जुड़ गया पता नहीं, देखा नहीं अभी. तो भाई जितना पैसा जुड़ेगा उसकी पार्टी कर लेते हैं. हाँ चलो 100 रुपये की. $1 $77 चलो. दो रेट देख रहा हूँ डॉलर का. कद $1 का $200 होगा. एक से भाई, एक सिर्फ यूट्यूबर था जो डॉलर बढ़ने का इंतजार करते हैं. दुनिया सोचते घट जाए, सोचते बढ़ जाए. टेम्परेचर हो रहा है 46. ओह माय गॉड, इट्स टू मच हॉटनेस. गाड़ी किसकी है? मैं जभी तो तेरी तरफ इशारा कर रहा हूँ मैं. और भाई अंडा खाओगे? अंडा खाओगे? ऑमलेट खाओगे? वो ऑमलेट खाएगा? खा लूंगा भाई. एक अंडा यहाँ फोड़ दे भाई. सही अमन कंडा देखियो कैसी गंदी गंदी बातें कर रहा है भाई. कह रहा है अमन कंडा बट व्हाट इज दिस अंडे. क्या हो गया भाई? हमसे पूछ के खाई थी? नहीं हमसे पूछ के खाई थी चोले चिप. इसने खुद ने बोला मैं चैलेंज करूं. खा ले पैसे तो दोगे ना? पर 10,000 दस मिनट रही. भाई सुन, अब तेरे से गाड़ी ठोकी तो मैं चलाऊंगा, ठीक है? यही गेम होता है ना रूल. चल गाड़ी ठोक दे, जल्दी ठोक दे भाई. ला मेरी बज्जी, अब मेरी बज्जी है. लेट मी प्ले नाउ. अब एक बोतल तो तेरे को चाहिए पानी. नहीं नहीं सिर्फ चार घूट. चार घूट? सिर्फ चार घूट. वो लगवा, चार घूट खत्म हो गई. कटारिया भाई, जिंदगी में भी ऐसी ऊंचाइयों पे जाना है. जिंदगी में भी ऐसी ऊंचाइयों पे जाना है. ब्रो व्हाट इज दिस यार? बात जो भाई आनंद से ये ऑफरोडिंग करके आया उस दिन के दो और दिन हो गए अंदर ही. अच्छा उसकी अमल लद्दाख के भी तक है. लद्दाख की तो साफ हो गई. अच्छा ये ऑफ रोडिंग वाले गुड़गांव की धूल है ये. गुड़गांव की धूल है. हाँ मैं भी ये डायलॉग मानने वाला था कि लद्दाख की धूल है, पर मेरा डायलॉग ही फेल हो चुका है. सॉरी गाइस, ये गुड़गांव की धूल ऑफ रोडिंग वाली. ये देख भाई साहब. अरे ओ भाई तुम्हारी बाइक बात आपको मजा. बीच में कैसे खड़ा है भाई? यूट्यूबर लाइव. ग्रिप इधर पर, राजस्थान तो आई हूं भाई. वाह एंटीक हो गया अभी ऐसा ना. अब कहाँ मिलता है ये? अब नहीं मिलेगा. 800 होता है इसमें. 800 डिजिट और वेट और 2 घंटे इसमें रिकॉर्ड है. कितनी सीडी है? इतनी एक और डिवाइस है मेरे पास कैसेट्स. हाँ ये तो हमारे जमाने से पहले भाई. ये तो चीजें देखी नहीं मैंने. केशव 2010. अच्छा इन सब पे लिख रहा है 2005. ये सारे व्लॉग्स हैं आपके? हाँ भाई वाह. ये तो मतलब मंदे टाइम के यूट्यूबर नहीं कह सकते. हाँ मतलब कहाँ कोई कर रहा था, कहाँ डलते थे अपनी वैसी संतुष्टि के. जिसमें कम से कम
वैष्णो देवी गए थे उसको 6 सीडी बना के लाया था मैं। कलेक्शन है सारे व्लॉग्स है भाई के। भाई ने चलवाओ ना इसको। कहाँ से चलेंगे ये? इसमें हैंडीकैम डाल के ना, हैंडीकैम इसमें सेटअप करके ना वो उस फाइल में आ जाएगी MP4 में। हाँ कराओ भाई, फिर डालते हैं। या तो इस हैंडीकैम को सही कराओ। कहाँ के हैंडीकैम? सही हैंडीकैम, खराब थोड़ी है। दिखाइयो ये ऋषि, दिखाइयो भाई को। खराब थोड़ी, बैटरी नहीं है इसमें, चालू है। एक कैसे चार्ज कैसे होता है ये? इसको कैसे ऐसे रखते हैं? पर ये चार्ज कहाँ से होता है? ये बैटरी यहाँ से चार्ज हो सकता है भाई। करो इसको भाई से वापस जिंदा करो, मजा आ जाएगा। इसको ऐसे करके ना आप बना सकते थे प्रोजेक्टर है। ये तो मतलब यहाँ से ऐसे। और उस टाइम कितने का आया था ये? इतना उस टाइम ही था, 25,000 रुपए। इतनी बड़ी स्क्रीन दिखा देता है। और ये क्या कहते हैं, कौन से साल की बात है, कब लिया था ये? 4। तो उस टाइम तो बहुत महंगा था। उस टाइम ये नहीं पता था, ऐसे इसको वैसे घुमाते हम। हाँ ठीक है। और ज्यादातर हमने ऐसे घुमा दिया, इतना घूमता है। हाँ ऐसे घुमा दिया, 15,000 रुपए की इसकी ना ये चीज हुई स्क्रीन। तो 25,000 2004 में तो बहुत ज्यादा ही तगड़ा खर्चा था व्लॉगिंग सेटअप पे। तब व्लॉगिंग नहीं थे ना। हाँ तब यूट्यूब ही नहीं था इतना। ये तो भाई अभी तो यूट्यूब और क्या नहीं चाहिए इतना ही। ये पुराने व्लॉग्स है, कभी मंदिर टाइम में आएंगे फिर डालेंगे ना। हाँ आगे जाके डालेंगे। हमारे घर और बन रहा है ना ये। हाँ सही है, ये तो कॉन्टेंट है बहुत तगड़ा फ्यूचर के लिए। है ब्याह ब्याह की भी है। सही है भाई। बड़ा भाई साथ जा रहे, बाइक पे जा रहे थे ना कहीं जाया करते इधर उधर, तो पूरे दिन वो व्लॉगिंग तो कह रहे पर बना देते वीडियो। ओहो मेरी बेबी प्राय घर में खड़ी थी कितने दिनों से, गर्मी की मारी शीशा खुला छोड़ रखे थे दोनों अभी ऊपर करे, क्या हो रखा है यहाँ। अरे भाई आंधी ने ऐसी तैसी कर दी पूरी गाड़ी की। भाई मैं तो एकदम होमसिक हो गया, शक्ल भी ऐसी उतरी उतरी लग रही है, बीमार हूँ शायद, पता नहीं। तबीयत एकदम ज़्यादा ख़राब होगी, ज़्यादा एसी के अंदर बाहर हो गया ना मैं, कभी एसी में बैठ रहे हैं फिर बाहर जा रहे हैं, फिर अभी आंधी चल रही है फिर धूप में जा रहे हैं, तो आज टू मैनी मौसम्स हो गए मेरी बॉडी के हिसाब से, तो उसे ऐसे मैं थोड़ा बीमार हो गया। भाई आज कोशिश करेंगे कि एसी ना चलाएं। बाकी अमेजोन से एक पैकेट और आ गया है मेरा और एड्रेस दिख जाएगा। हाँ तो ये वाला पैकेट कल दिखाता हूँ क्या है इसमें। ये मतलब ऑलरेडी था मेरे पे बट किसी ने ले लिया तो वापस मंगाना पड़ गया। गाइस पता है एक मंथ तो इतना कर रहा नहाने का, बालों में इतनी मिट्टी घुस चुकी है ना आंधी तूफान के बाद, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बालों को शैम्पू वैम्पू करके अपना बढ़िया कंडीशनर करके सो जाते हैं। बट फिर एक मन कर रहा है आल का सहारा, बहुत ज़्यादा तबीयत थोड़ी सी वैसी ढीली ढीली चल रही है, तो उस वजह से आल का सहारा है। नहाया जाए क्या? वैसे बहुत लेट हो गया, नहाऊंगा नहीं, डर लगता है रात को नहाने में अकेले। इसी खूबसूरत परी जैसी होगी तेरी दीवानी दीवानी। भाई ये झाग तक नहीं निकल रहे इसमें, झाग झाग ही नहीं है बिल्कुल। गाइस तुम्हें एक इंटरनेशनल लेवल का धोखा दिखाऊं, अभी मेरी बॉडी ऐसे इतनी इतनी बुरी है ना, इतनी बुरी। बट लाइटिंग अच्छी है, और कभी मंदिर टाइम में बॉडी बनाई थी तो उसका एक पोज मार के दिखाता हूँ अच्छी लाइटिंग। बट कर देते हैं कोई नहीं, मन करेगा डाल दूँ ना, मन नहीं करूँ काट देंगे। तो देवी और सज्जनों हम नहा के निकल चुके हैं एंड यस मैंने अपने बालों में कुछ नहीं लगाया, ये कंडीशनर करे तो बैठ चुके हैं, तो मैं कहा चल ठीक है जैसे है वैसे, ना मुंह पे कुछ लगाया, कुछ घंटे का तो रेस्ट दे सकते हैं, ना हमेशा फेस पे कभी कुछ रहता है, कभी कोई क्रीम कभी कोई जेल, तो हमने अपने फेस को थोड़ा सा टाइम दिया है रिपेयर होने के लिए, नो एक्सटर्नल थिंग्स, क्योंकि सुबह वापस नहाना ही है, तो फिर मैं कहा चल क्या लगाना, रात को थोड़ा बहुत नेचुरल भी रहना चाहिए स्किन। पता है देखो मैं इंस्टाग्राम पे इतना वो नहीं रहता हूँ, क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे इतना एक्टिव नहीं रहता हूँ, एक्टिव इज़ द वर्ड, या तो इतना एक्टिव नहीं रहता, बट मैं कोशिश करता हूँ कि डेली स्टोरी डालने की, कम से कम एक या दो स्टोरी तो डेली डालूँ ही डालूँ। पोस्ट और रील वगैरह के तो देखो थोड़ी मेहनत हो जाती है, बट हाँ आपको स्टोरीज ज़रूर मिलेंगी रोज़ की, तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, बढ़वा दो इंस्टाग्राम पर भी, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, दुख बढ़ रहा है। और ये वाला व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना है, शेयर शेयर प्लीज़ शेयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यार, अभी फ़िलहाल ग्रोथ रुकी हुई है, कंसिस्टेंसी पूरी मेंटेन्ड है बट पता नहीं ग्रोथ कैसे रुक रही है, तो शेयर करवा करवा के भाई का चैनल थोड़ा ग्रो करवा दो, ठीक है? थैंक यू, गुड नाइट, बाय।